हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अ बिटर स्वीट लाइफ ये 2015 की एक्शन ड्रामा कोरियन मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी में गैंग का बॉस हमारे मेन कैरेक्टर को एक लड़की पर नजर रखने के लिए बोलता है और अगर सिचुएशन खराब हो गई तो उसे मारना भी है। इसी लड़की की वजह से आगे चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो आगे क्या होता है ये हमारे एक्सप्लेनेशन में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है सुनवो, ये हमें एक स्टोरी सुनाता है। इस स्टोरी में एक छोटा लड़का अपने टीचर से पूछता है, वो पूछता है कि झाड़ पर ये जो पत्ते लहराते हैं इसके पीछे रीजन क्या है, क्या ये अपने आप लहराते हैं या हवा की वजह से लहराते हैं। टीचर छोटे लड़के को कहते हैं ये दोनों गलत है, एक्चुअल में ये तुम्हारा मन है जो डोल रहा है। ये स्टोरी यही खत्म होती है और हमारा मेन कैरेक्टर सनवू हमसे इंट्रोड्यूस होता है। सनवू एक गैंग के लिए काम करता है और रेस्टोरेंट संभालने का काम उसे असाइन किया गया है। हर रात की तरह एक रात वो ऐसे होटल मैनेज कर रहा होता है। कुछ लोग होटल में आते हैं पर वो जरा लेट होते हैं और वहां से जाने का नाम भी नहीं लेते। वो ट्रबल क्रिएट कर रहे होते हैं तो सनवू को बुलाया जाता है। सनवू उन लोगों से कहता है कि उसे होटल बंद करना है तो वो चले जाए, पर ये लोग मानने वाले नहीं। सनवू 3 तक काउंट करता है पर फिर भी ये लोग नहीं जाते। इन सबको बहुत मारता है और बाहर निकाल देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में सनवू अपने बॉस से बात कर रहा है, ये हम देख सकते हैं। सनवू के बॉस के पास एक प्रॉब्लम है, ये जो होटल सनवू चलाता है ये किसी और गैंग के मेंबर को चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है तो एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। बॉस सनवू से और भी बात करते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हें मैं और एक काम पर भेजना चाहता हूँ। बॉस की एक गर्लफ्रेंड है जो शंघाई में रहती है। बॉस बीच बीच में उस पर नजर रखता रहता है। उसे पता चला है कि उसकी गर्लफ्रेंड का एक फ्रेंड बन चुका है, वो एक साथ घूमने फिरने लगे है। इन दोनों में चल क्या रहा है, इनमें रिलेशनशिप क्या है, ये सब बॉस को जानना है। वो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता तो सनवू को जाने के लिए बोलता है। बॉस सनवू से कहता है यंग लोगों में छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, पर अगर वो मुझ पर चीट करी होगी तो वहां जाकर उसे तुम मार कराओ। सनवू फिर बॉस की गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए शंघाई पहुंच जाता है। ये बॉस की गर्लफ्रेंड हमारा और एक मेन कैरेक्टर है, इसका नाम है हिसू। सनवू हिसू के पास आता है और बहाना बनाता है कि उसके बॉस ने उसके लिए एक गिफ्ट भेजा है। ये लैम्प उसे बहुत ही अजीब लगता है पर फिर भी ये देखकर वो बहुत ही खुश होती है। सनवू यही है तभी हिसू को सस्पिशियस कॉल आता है। हिसू बाहर जाना चाहती है तो सनवू कहता है कि मुझे ऑर्डर मिला है, तुम्हें कहीं भी जाना हो तो मैं तुम्हें घुमा सकता हूँ। हिसू इसके लिए मना कर देती है। सनवू हिसू के घर के बाहर ही रुकता है और उस पर नजर रखता है। थोड़ी देर में हिसू को लेने के लिए कोई आता है। वो गाड़ी में जहां भी जाती है सनवू उसका पीछा करता है। हिसू का एक फ्रेंड है जिसके साथ वो दिन भर घूमती है, खाना खाती है, क्लब में जाती है, ये दोनों कपल्स की तरह ही है। रात में हिसू का फ्रेंड उसे छोड़ देता है और वो अपने घर चला जाता है। हिसू नोटिस करती है कि सनवू उसका पीछा कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सनवू और उसका फ्रेंड बातें कर रहे हैं। वो सनवू से कहता है कि जिन लोगों को तुमने मारा था वो हमारे ऑपोजिट गैंग के मेंबर थे, ये वही ऑपोजिट गैंग है जो होटल बाय करना चाहता है। इनके बॉस का नाम प्रेसिडेंट बिग है। बिग का सनवू के फ्रेंड को बहुत बार कॉल आ चुका है। सनवू इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता क्योंकि उसे ये होटल सेल नहीं करना है। सनवू और उसका फ्रेंड बात कर रहे हैं तभी फिर से बिग का कॉल आता है। सनवू ये कॉल उठाता है। वो बिग से कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी बात करनी है तो आकर फेस टू फेस करो, मैं सिर्फ फोन पर बात नहीं करने वाला। बिग जब सनवू से बात कर रहा था तब उसके आदमी उसके आसपास थे। सनवू ने बिग का कॉल काट दिया। इस पर बिग का आदमी हंसने लग जाता है। बिग को बहुत गुस्सा आता है और उसको फोन से वो मार देता है। बिग भी हमारा बहुत ही डेंजरस कैरेक्टर है। सनवू रात में घर पर आता है पर आज उसे नींद नहीं आती, वो हिसू के बारे में ही सोचता रहता है। हिसू उसे बहुत ही ब्यूटीफुल लगी थी। रात में उसे बहुत ही लेट नींद आती है तब हिसू का उसके फोन पर मैसेज आया है। हिसू को कुछ काम है तो उसे उसने मिलने के लिए बुलवाया है। सनवू भी जल्दी से रेडी होता है और वहां पहुंच जाता है। ये दोनों लंच के लिए जाते हैं। हिसू सनवू से जरा डरती है तो उसे पूछती है क्या तुम वसूली करने वाले हो, यानी कि कोई पैसे नहीं देता तो क्या तुम्हें भेजा जाता है। सनवू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एक होटल संभालता हूँ, बस उतना ही काम मैं करता हूँ। सनवू बहुत ही शाय होता है तो ज्यादा बात नहीं कर पाता। हिसू उससे कहती है कि तुमसे बात करना है बहुत ही बोरिंग है। जब इनका लंच खत्म होता है तो मॉल में हिसू एक लैम्प देखती है जो उसे बहुत पसंद आता है। वो उसकी प्राइस पूछती है पर प्राइस की वजह से इसे लेना कैंसिल कर देती है। ये फिर एक दूसरे से गुड बाय लेते हैं पर सनवू दिन भर हिसू का पीछा करता रहता है। हिसू बहुत ही ब्यूटीफुली चेलो बजाती है तो ये भी सनवू देखता है। सनवू को फिर उसके फ्रेंड का कॉल आता है। बिग उसके होटल में आ चुका है, ये उसे बात करना चाहता है। बिग सनवू से कहता है कि हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जो दूर हो सकती है।
सनु कहता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, तुमने तुम्हारे आदमी को मुझे धमकाने के लिए भेजा था। तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी कर सकते हो? ये कहकर वो बिग को वहां से निकाल देता है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। हिसु जहाँ प्रैक्टिस करती है तो वहां सनु रात में उसे मिलने के लिए आता है, पर वहाँ ऑलरेडी हिसु का एक फ्रेंड है। सनु फिर से हिसु और उसके फ्रेंड का पीछा करता है। हिसु का फ्रेंड उसे घर पर ड्रॉप कर वहां से चला जाता है। सनु थोड़ी देर तक वही रुकता है और फिर वहां से निकल जाता है। सनु जब फोन पर बात कर रहा है तभी एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाने वाला था। वो आगे जाता है तब उसे रियलाइज होता है कि जिस गाड़ी से उसका एक्सीडेंट होने वाला था ये गाड़ी हिसु के फ्रेंड की थी। वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, इसका मतलब है हिसु को मिलने के लिए फिर से उसका फ्रेंड आया था। सनु जल्दी से हिसु के अपार्टमेंट तक पहुंचता है। जैसा उसे लगा था वैसा ही हुआ है। वो बिना कोई आवाज करे अपार्टमेंट में घुस जाता है। हिसु का फ्रेंड भी यही है। अब कंफर्म हो चुका है कि हिसु और उसके फ्रेंड में रिलेशनशिप थी। जो बॉस को लग रहा था वो सब कुछ सही था। सनु को इंस्ट्रक्शन मिले है कि हिसु अगर चीट करी होगी तो उसे उसे मार डालना है। हिसु के फ्रेंड को सनु बहुत मारता है। हिसु रो रही होती है तो सनु को भी बुरा लगता है। बहुत दिनों से वो हिसु का पीछा कर रहा था तो एक तरफा उससे वो प्यार करने लग गया है। वो उसे मार नहीं सकता, वो सोचता है और हिसु को और एक सेकंड चांस देना चाहता है। वो कहता है कि तुम लोग जो भी तुम्हारी रिलेशनशिप है अब इसे तोड़ दो, आज जो भी सब हुआ है ये सब मैं भूल जाऊंगा। हिसु का बॉयफ्रेंड वहां से चला जाता है। हिसु बहुत रोती है और सनु से कहती है, ये जो तुम कह रहे हो ये पॉसिबल नहीं है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे भुला नहीं सकती। सनु उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो इसीलिए मैं सब कर रहा हूँ। हिसु ये मानने के लिए रेडी नहीं है, वो उसे निकल जाने के लिए कहती है। हिसु को नाराज देखकर सनु भी बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो जब घर पर आता है तो पार्किंग लॉट में उसका कोई वेट कर रहा है। सनु अपनी गाड़ी से बैट निकालता है और पार्किंग लॉट में एक आदमी से कहता है कि तुम्हें अगर फाइट करनी है तो जल्दी से स्टार्ट करते है। ये आदमी पीकने भेजा है। ये कहता है कि सिर्फ तुम्हें 3 शब्द बोलने हैं कि मैं गलत था, यानी कि उसे सॉरी कहना है। अगर सनु ने पीक को सॉरी कह दिया तो सब कुछ यही खत्म हो जाएगा। बिग अपनी इंसल्ट को भूल जाएगा, पर सनु ये नहीं करने वाला। वो उस आदमी को बाहर में जाने के लिए कहता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सनु का बॉस हिसु के पास आता है। हिसु आज उससे सही से बात नहीं कर रही। बॉस को समझ आता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जिस घर में हिसु रह रही है। सनु के बॉस ने हिसु को जो घर दिया है इस घर से भी वो निकल जाने वाली है। बॉस हिसु से कहता है कि तुम किसी भी चीज से नहीं डरती, इसी वजह से मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। वो हिसु को धमकी देता है। वो कहता है कि तुम जब यंग होती हो तुम्हारे पास बहुत सारा पेशेंस होता है, पर अगर एज बढ़ता गया तो पेशेंस से तुम लूज करते हो। यानी कि हिसु ने अगर कुछ ट्राई किया तो बॉस अपना पेशेंस लूज कर सकता है और हिसु के साथ कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सनु सोया हुआ होता है और उसके पास कुछ लोग आ जाते हैं। ये उसे बहुत मारते हैं। एक जगह पर उसे उल्टा लटकाया हुआ है। सनु बहुत ही इंजर्ड है। थोड़ी देर में पीक उसे मिलने के लिए आता है। बी कहता है कि तुमने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। सनु उस पर हंसा था तो बिग कहता है कि अब हंसो, तुम्हारी हंसी कहाँ गई। बिग उसे मारने वाला था तभी उसे कॉल आ जाता है। सनु को गाड़ी में डालकर एक सुनसान जगह पर लेकर जाया जाता है। जो भी सनु ने किया है यानी कि हिसु को और उसके लवर को छोड़ दिया है ये सब कुछ बॉस को पता है। सनु से वो बहुत ही अपसेट है। बिग और बॉस भी एक साथ काम करने लग गए है और सनु इसका विक्टिम बन चुका है। बॉस सनु से पूछता है कि ऐसा तुमने क्यों किया, मैंने तुम्हें कहा था कि उन दोनों को तुम्हें मार डालना है, तुम मुझे कॉल कर सकते थे। सनु कहता है कि मुझे लगा था कि मैंने जो चूज किया है वो एक अच्छा सॉल्यूशन होगा। बॉस सनु के फ्रेंड को ही सनु के साथ क्या करना है इसकी इंस्ट्रक्शन देकर वहां से चला जाता है। सनु का फ्रेंड उसके लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदता है, वो जिंदा ही उसे उसमें गाड़ देते है। बहुत बारिश हो रही थी तो सनु स्ट्रगल कर इस गड्ढे से बाहर आ जाता है। बाहर सनु का फ्रेंड उसका अभी भी वेट ही कर रहा था। सनु अपने फ्रेंड से कहता है कि मेरी लाइफ के साथ तुम गेम्स मत खेलो। उसके फ्रेंड को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फ्रेंड फिर सनु को सेलफोन देता है। वो कहता है कि 15 मिनट में तुम्हें बॉस का कॉल आएगा, तुम्हें बॉस को जो भी सब कहना है तो तुम उस पर उसे कह सकते हो। सनु फिर बॉस को कॉल लगाता है और बात करता है। बात करने के बाद अपने फ्रेंड को मोबाइल देता है। फ्रेंड नोटिस करता है कि इस मोबाइल में तो बैटरी है ही नहीं, यानी कि कॉल लगा ही नहीं था। सनु मोबाइल के बैटरी से ही अपने फ्रेंड की आंख फोड़ देता है। वहां पर बहुत सारे लोग थे, सब लोगों को मारकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सनु का बॉस और बीक के बीच में मीटिंग चल रही है। बॉस इसी मीटिंग में एक स्टोरी सुनाता है। वो कहता है कि बहुत ही ब्रिलियंट लड़का था जो मेरे लिए काम करता था, उसने एक दिन एक गलती कर दी। वो एक छोटी सी गलती थी
मैं सिर्फ चाहता था कि इस गलती को एडमिट कर ले। उस लड़के ने उसकी गलती को एडमिट नहीं किया, इसी वजह से उसे मुझे मार डालना पड़ा। गलती छोटी है या बड़ी, इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अपनी गलती को उसे मान लेना चाहिए था। सनू को लगता है कि उसने जो किया वो सही किया, और वो एडमिट नहीं कर रहा कि उसने गलती की है। इसी वजह से उसका बॉस उस पर बहुत नाराज है। सनू भाग चुका है तो अब ये सिचुएशन और भी खराब हो गई है। सनू अपने फ्रेंड को कॉल करता है और उससे कुछ पैसे मांग लेता है। सनू भी पहले गैंग का ही मेंबर था, तब उसे सब कॉन्टैक्ट्स वगैरह मालूम है। अपने खुद के बॉस से ही उसे लड़ना है तो बहुत सारी गन्स लगेगी। एक सप्लायर को कॉल कर उसे एक जगह मिलने के लिए बुलाता है। इस सप्लायर को पैसे देता है, पर इस सप्लायर बहुत ही सस्पिशियस है। उसे लगता है कि सनू शायद पुलिस के लिए काम कर सकता है। सप्लायर फिर खुद के बॉस के पास सनू को लेकर आता है। सनू अपने गैंग के बारे में सप्लायर के बॉस को कहता है। सप्लायर फिर उसे गन देता है, एक नई गन है जो बहुत ही इफेक्टिव है। इसे खोलना कैसे है, फिर से जोड़ना कैसे है, ये सब उसे सिखाता है। सप्लायर का बॉस कन्फर्म करने के लिए होटल में कॉल लगाता है, तभी उसे सब कुछ सिचुएशन पता चल जाती है। सनवू को उसे मार डालना है, ये उसे इंस्ट्रक्शन दी जाती है। सनवू फिर सप्लायर ने जो उसे गन दी थी, इसी गन से वह सब लोगों को मार डालता है। रात में वो डायरेक्टली बिग के पास आता है। बिग को लगा था कि सनवू अब तक मर चुका होगा, तो उसे देखकर बहुत ही सरप्राइज्ड होता है। सनवू कहता है कि तुम्हारी स्माइल कहाँ गई, अब तो तुम नहीं हंस रहे। बिग कहता है कि हम लोग प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल की तरह लेते हैं। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो एक बैड मेमोरी समझ कर तुम भूल जाओ। सनवू कहता है कि बैड मेमोरीज तो तुम भुला सकते हो, पर किसने तुम्हारे साथ वो किया था उसे तुम पनिश भी तो कर सकते हो। बिग उसके पास आकर उसे समझाने की कोशिश करता है। सनवू का ध्यान नहीं होता, तभी बिग एक चाकू निकालकर सनवू के पेट में डाल देता है। बहुत सारे वार उस पर करता है। सनवू बहुत ही इंजोर हो जाता है, गन निकालता है और बिग को मार डालता है। सनवू हिस्सू को कॉल लगाता है, वो कैसी है, क्या कर रही है, ये सब उसे जानना है। उसने सिर्फ हिस्सू की आवाज सुन ली, ये भी उसके लिए इनफ होगा, पर हिस्सू उसका कॉल मिस कर देती है। हिसू जब घर पर आती है तब उसके लिए गिफ्ट आया हुआ है। ये गिफ्ट सनवू छोड़कर गया था। हिसू देखती है तो इसमें एक लैम्प है, जो लैम्प उसे मॉल में पसंद आया था। सनवू को पता था कि हिसू को लैम्प पसंद है। सनवू अपने वुंड्स पर मलम पट्टी करता है। उसके फ्रेंड ने उसको दगा दिया था तो उसे मार कराता है। इसके बाद डायरेक्टली अपने बॉस के पास पहुंचता है। उसका बॉस उसे कहता है कि इस चीज को ज्यादा तुम बढ़ाओ मत। सनवू कहता है कि अब ये मेरा लास्ट स्टॉप है, यहाँ से मैं कहीं भी नहीं जाने वाला। वो अपने बॉस से पूछता है कि मैंने 7 साल तक कुत्ते जैसे तुम्हारे लिए काम किया है, तुमने मेरे साथ ये क्यों किया। बॉस कहता है कि तुमने मुझे इंसल्ट किया। सनवू का ये रीजन पसंद नहीं आता। वो कहता है कि सचमुच में रीजन क्या था ये तुम मुझे बताओ, इतना सब कुछ गलत कैसे हो गया, क्या तुम सचमुच में मुझे मार डालने वाले थे। बॉस कहता है तुम्हें हो क्या गया है, क्या तुम हिसू की वजह से ये सब कर रहे हो। सनवू को गुस्सा आता है और बॉस को मार डालता है। यही हम देखते हैं कि सनवू को पीछे से गोली लगती है। ये बिग के आदमी है जो सनवू के बॉस को और उसकी गैंग को मारने के लिए आए थे। सनवू भी यहाँ है तब उसे भी वो गोली मारते हैं। इन दोनों गैंग्स में गोलियां चलती है। सनवू थोड़ा सा होश में था तब सब लोगों को मार डालता है। इस दो गैंग्स की फाइट में सनवू को बहुत सारी गोलियां लगती है। सनवू फिर से हिसू को कॉल लगाने की कोशिश करता है पर वो लगा नहीं पाता। ऊपर सीलिंग पर उसे कुछ पत्ते दिखते हैं जो हवा से लहरा रहे हैं। ये देखकर उसे हिसू की याद आती है। हिसू को चेलो प्ले करता हुआ देखकर वो बहुत ही खुश हुआ था। गैंग का और एक आदमी इस होटल में आता है। सनवू को वहां देखकर उसे मार डालता है। सनवू अपने आखिरी पलों में हिसू को ही याद करता है। अपने चेहरे पर एक स्माइल के साथ वो मर जाता है। सनवू मूवी के लास्ट में हमें और एक स्टोरी सुनाता है। एक छोटा लड़का बीच रात में उठ गया और वो रोने लग गया। टीचर ने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो, क्या तुम्हें बुरा सपना आया। छोटे बच्चे ने कहा कि सपना तो बहुत ही ब्यूटीफुल था, पर उसे मालूम है कि वो सपना कभी भी सच नहीं होगा, इस रियलिटी को देखकर वो रो रहा है। मूवी के फर्स्ट में भी हमें एक स्टोरी सुनाई गई थी। उसमें कहा गया था कि जो पत्ते डोल रहे हैं ये हवा की वजह से या खुद भी नहीं डोल रहे, ये एक्चुअल में उनका मन है, उनका माइंड है जो ये सब देख सकता है। ये स्टोरी सनवू जिस तरह से हिसू से प्यार करता था, इस प्यार को रिप्रेजेंट करती है। एक रैशनल वर्ल्ड में हम रीजन नहीं देख सकते कि सनवू हिसू से प्यार क्यों करता था। हिसू को देखते ही उसे प्यार हो गया था, इसके पीछे और कोई रीजन नहीं था। मूवी की लास्ट की स्टोरी को हम अगर समझे, बच्चा कहता है कि जो ड्रीम उसने देखा था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था, पर वो कभी भी सच नहीं हो सकता था। लाइफ की रियलिटी को सोचकर वो रो रहा था। यही चीज सनवू के साथ भी हुई थी। वो हिसू के साथ रहना चाहता था, पर हिसू किसी और के साथ प्यार करती थी। अगर वो चाहता भी तब उसका बॉस ये सब नहीं होने देता। जब तक सनवू का बॉस जिंदा था तब तक हिसू सही से अपनी लाइफ जी नहीं पाती।
वास ने पहले यीशु को धमकी दी थी। सनू के साथ भी जो सब हुआ उस सब का उसने बदला ले लिया। लास्ट में यीशु को याद करते हुए एक स्माइल के साथ वो मर गया। उसे मालूम था कि अब यीशु सेफली जी सकती है। इस मूवी का नाम भी बिटर स्वीट लाइफ है, यानी कि कुछ कड़वी कुछ स्वीट। इसी तरह से इस मूवी की बिटर स्वीट एंडिंग हो जाती है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना भी मत भूले, यानी कि सब मूवीज आपको मिलती रहे।